भगवान जो है सारे संसार के कण कण में सब चीजों में सब एक एक पार्टिकल्स में एक एक कण में जितना भी संसार का अणु तो जरूर है लेकिन उसके बाद में फिर बच्चे ने जो है उसमें उंगली डाल के कुछ निकालना शुरू किया अब तो राजा कहता है ये क्या कर रहा है बोले मैंने सुना है कि इसमें जो है मक्खन होता है तो उसने कहा बेटा मक्खन होता है ये तो बात सही है बोले दिखाई क्यों नहीं देता बोले वो इसमें मिक्स है फिर वो दिखाई कैसे देता है तो राजा ने बोला तो है तो बच्चा ही लेकिन चलो हम नीचे खड़े हैं तुम्हें बता देते हैं कि दूध को पहले जमाना पड़ता है जमाने के बाद में फिर उसको जो है जब दही बन जाता है फिर उसको बिलोते हैं बिलोने के बाद में फिर उसमें से मक्खन निकलता है तो बच्चे ने उस समय एक गाना गाया और उसकी कुछ पंक्तियां थी कि ऐसा योग कमाओ राजन शरीर दूध में माखन ज्योति ऐसा योग कमाओ राजन शरीर दूध में माखन ज्योति प्रेम का जामन लगाओ राजन सतगुरु शब्द की करो मथानी नेत्रा श्वास चलाओ राजन सात सूरत का छिड़का छिड़को और सोहम हंसा गाओ राजन मैल द्वेत जब दूर हो जाए तब माखन पूरा खाओ राजन तो अब ये गीत गाया उसने गीत गाया तो उसके बाद में राजा बोला अब तो बात कुछ दमदार करी है तुमने पर समझाओ भी तो सही बोले वो जो आप कह रहे थे ना कि दूध को मथा जाता है निकाला जाता है तो वैसा ही योग तुम्हें बताना चाह रहा हूं बताना चाहता हूं कि तुम ऐसा योग कमाओ जैसे कभी किसी महिला को देखा होगा कि वो जैसे दूध जमाती है दूध जमाने के बाद जो दही बन जाता है उसको फिर बर्तन में जिसमें वो रखा हुआ होता है उससे उठा करके एक पूरे बड़े बर्तन में हंडिया में डाला जाता है और उसके अंदर मथानी रख करके उसको फिर बिलोया जाता है तो उन्होंने कहा लेकिन तुम एक बात राजन आप नहीं बता पाए वो दूध जमता कैसे है वो बोले जामन लगाना पड़ता है ना बेटा बोले जामन क्या होता है वो बताओ बोले दही जो है ना पुराने वाली जो दही होती है खटास होती है उसमें वही लेके आते हैं तो बोले पहले तो एक बात याद रखो हर आदमी का शरीर जो है वो परमात्मा का दिया हुआ दूध की तरह है और उसके अंदर माखन रूपी ज्योति विद्यमान है अब उससे पहले एक काम करना होता है इस दूध में जामन लगाना पड़ता है और जामन क्या है वो दही है मतलब ऐसा कोई आदमी ढूंढो जिसने भक्ति की हो उसका जामन लगाना पड़ देगा पड़ेगा आपको तो वो क्या सिखाएगा बोले गुरु जो है यहां पर काम करता है वो प्रेम जगाता श्रद्धा जगाता है वो प्रेम की श्रद्धा की भक्ति की ज्योति जगाने के लिए जामन देता है मंत्र देता है उससे दही जमती है और दही जमना अगर समझना चाहते हो आसन जमाना आना चाहिए आदमी को जब तक आपका आसन नहीं जमेगा तब तक आपकी भक्ति नहीं होगी एक जगह बैठ करके स्थिर होकर के आपको भक्ति करना आना चाहिए दूध जो है वो दही बन जाना चाहिए तो अच्छा दमा जमा हुआ दही तो हाथ पे भी लेके चलोगे तो गिरेगा नहीं और दूध को रख करके देख लो एक मिनट में गिर जाएगा ये जो मन चंचल है इस चंचल मन को स्थिर करने का सबसे पहले तरीका सीखना है तो गुरु की शरण में जाकर के उसके द्वारा मंत्र और उसके विधि लो वो जामन लगाएगा आपका दूध जमेगा ये पहली बात है अब यहां से पता लग रहा है कि सामान्य ढंग से इन लोगों ने बातें करी हैं लेकिन समझाया बहुत अच्छे से जैसे गुरु गोरखनाथ ने जो है वो हजारों तरीके दिए विधियां दी हैं। गगन मंडल में गाय बियाई कागज दही जमाया छात छात तो पंडित गए, सिद्धा माखन खाया ये सारा उनका रूप है इसलिए जो हजार तरह की विधियां हैं उसको लोगों ने कह दिया गोरख धंधा कही इतनी विधियां बता दी इसमें तो फंस जाएगा आदमी लेकिन इन महान पुरुषों का अपना कमाल है मैं उस बालक की बात बता रहा हूं क्योंकि बात वहां से शुरू हुई है सुतनु भी एक बालक है जो नारद ऋषि को समझा रहा है और हमारे देश में भी ऐसे राजा लोग रहे हैं जिनके सामने मंत्री ने एक छोटा सा बच्चा जाकर के बैठा दिया और उसने वो गीत गाना शुरू कर दिया कि ऐसा योग कमाओ राजन शरीर दूध में माखन ज्योति प्रेम का जामन लगाओ राजन के पहले तो प्रेम का जामन लगाना आना चाहिए प्रेम का जामन जो है मतलब श्रद्धा भक्ति और स्थिरता आ जाए आपकी भक्ति में आपको एक आसन पर कम से कम पहले अभ्यास करना चाहिए बीस मिनट बैठने का ज्यादा देर की बात नहीं है आसन भी आपका अपना एक अलग होना चाहिए माला आपकी अपनी अलग होनी चाहिए पूजा करने के बाद में अपना आसन अलग रख दीजिए अपने वस्त्र भी जो है भक्ति के अलग बनाइए और स्नान आदि करने के बाद आप जब भगवान की भक्ति करने के लिए जाएं, वो समय वस्त्र वगैरह पहन रहे हो तो उसी समय परमात्मा की कृपाओं को याद करें पहले करो स्तुति स्तुति करने का मतलब होता है भगवान का गुणगान मन मन में करना तू दयालु है कितनी दया करता है करुणा करने वाला करुणा निधान है तेरा स्वरूप ही करुणा स्वरूप है अवतारम करपूर गौरम करुणावतारम तो स्वच्छ शुद्ध स्वरूप है ये कर्पूर गौरम का मतलब कपूर जैसे गोरे यही नहीं है शुद्ध स्वरूप है तो करुणा और तेरा स्वरूप ही करुणा का है दया निदान है भगवान भगवान की स्तुति उसका गुणगान उसकी कीर्ति गाओ कि तू क्या है तू मेरा दाता है सारा जग तेरे आगे हाथ फैलाता है और तू ही देने वाला दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया मांगने वाले सारे लोग और देने वाला एक तो ऐसे भगवान का मन मन में गुणगान गाते गाते और फिर उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करो वस्त्र पहनते पहनते कृतज्ञता प्रकट करते जाओ तेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद करता हूँ शुक्र 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 तेरा परमात्मा कितना कितना गुणगान करूँ तेरी दया से आज का दिन देखने को मिला आज का अवसर मिला मैं बहुत आभारी हूँ मुझे जीवन दे रहा स्वस्थ हूँ और मेरे घर में प्रेम प्यार है जीवन ठीक से चल रहा है चारों तरफ जो भी कृपाएं आपकी हो रही हैं विघ्न बाधाएं है, चुनौतियां बहुत होंगी लेकिन संभालने वाला तू भी बहुत है हवाएं मेरी मुस्कराहट का दिया बुझाने की कोशिश तो बहुत करती हैं लेकिन जब तेरी कृपा है तो मैं अपनी मुस्कराहट और आनंद के साथ चलता जाता हूँ बहुत धन्यवाद धन्यवादी भगवान तेरा धन्यवाद करता हूँ मन मन में धन्यवाद करते करते और भगवान के दर पर पहुँच जाओ अपने घर में जो स्थान आपने बना रखा है सबसे ज्यादा पवित्र स्थान वह होना चाहिए प्रेमपूर्ण स्थान होना चाहिए छोटा सा कमरा ही आपका सही एक कोना ऐसा रख लो जिस कोने में बैठकर आप अपने प्यारे परमात्मा को आप याद कर सको और सब कृपा पाने के लिए कहा जाता है कि गुरु के द्वारा दिए गए संदेश को ध्यान में रखना चाहिए तो जल्दी से मैं आपको सुना देता हूँ क्योंकि समय बहुत थोड़ा होता है तो ये कहा गया कि प्रेम का जामन लगाओ राजन मतलब यही है कि आपको परमात्मा की भक्ति में जाने के लिए आसन की स्थिरता बनानी तो आसन अपना एक अलग रखिए और पूजा के वस्त्र भी अलग लेकर के रखो वही अपने जो है ना एक भले पीला वस्त्र एक रख लीजिए घर में उसे आप ओढ़ लिया करें पीत जो है वस्त्र वो वसंत का और प्रेम का रंग है परमात्मा की भक्ति का ये जामन लगाने के लिए बहुत जरूरी है ये समझ लीजिए जामन वाला वस्त्र यही है उसके बाद में कहते हैं कि माला होनी चाहिए कंठ में तो आपने देखा महाराष्ट्र में जो है ना वो कसम खाते हैं तो आई शफत ऐसे करते हैं यहां हाथ लगाते हैं ना आई शफत आई मतलब मां यहां कंठ पे हाथ लगाते हैं जिन्होंने अपने गले में जो है रुद्राक्ष डाल रखा है या जिन्होंने जो है कंठी माला वो वाली डाली है जिसको तुलसी माला कहते हैं तुलसी दल किसी भी भोजन पर रखते हैं तो भगवान को समर्पित कर दिया आपने तो यहाँ माला रख करके कह दिया कि ये जिंदगी अब तेरी है ये मतलब होता है खुद को अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में ये यहां से कहना होता है तो गले में माला हो और हाथ में सिमरनी एक छोटी सी सिमरनी जरूर रखो वही आपको जो है उद्धार करेगी तो प्रेम का जामन लगाओ राजन सतगुरु शब्द की करो मथानी अब सतगुरु ने जो शब्द दिया है जो मंत्र दिया है उसकी मथानी ले लो अब मथानी से क्या करना होता है मथानी को तो घुमाना होता है अब मंत्र को घुमाओ नेत्रा श्वास चलाओ राजन अब नेति होती है उसमें एक जो मथानी के साथ में रस्सी होती है ना उसको नेति बोलते हैं तो उसको इन्होंने नेत्रा कहा श्वास की नेति वो रस्सी श्वास श्वास में भगवान का नाम लगातार और वो कौन सा नाम तो उन्होंने कहा सोहम 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 अभी सोहम बोलना नहीं है मतलब आप जो मंत्र बोल रहे हैं अपने आप श्वासों में से हंसो अहम हंसो अहम सोहम हंसो अहम मैं आत्मा हूं और परमात्मा वो मेरा वह मानसरोवर है जहां मुझे उड़कर जाना है कि हम मानस के राजहंस हैं वहां जाने के लिए दुनिया में आए तो आपने उस नेति से श्वास श्वास में नाम जप वृथा श्वास मत खोए जो कहा गया ना कि तुम्हें श्वास में मंत्र जाप करना आना चाहिए अब यह चीज जब हम लोग सिखाते हैं ना कि श्वास श्वास में किस तरह से भक्ति की जाती है तो सुनने से तो लगता बड़ा कठिन है और जब करवाते हैं तो फिर वो बड़ा आसान लगता है तो सतगुरु शब्द की करो मथानी और नेत्रा श्वास चलाओ राजन उसके बाद उन्होंने कहा सात का छिड़का छिड़को खूब बिलोने के बाद भी बात नहीं बन पा रही होती है मक्खन निकलता ही नहीं तो फिर उसके बाद में जो है ना अगर वो थोड़ा सा गर्म हो गया तो ठंडा और अगर मतलब ज्यादा ठंडा हो रहा है तो हल्का सा गर्म पानी सर्दी में थोड़ा सा गर्म पानी का छिड़का डालते हैं उसमें महिलाएं करती हैं ऐसे उसके बाद बिलोते बिलोते अचानक मक्खन निकलता है बाहर अब उसको उन्होंने कहा सात सूरत का छिड़का छिड़को सात सूरत का सात तरह का सूरत का मतलब यहां ध्यान लगाने का अब वो क्या है सात चक्र आपके मूलाधार से शुरुआत आप करें और सहस्रार तक पहुँचे कि ऐसे जो है आप ध्यान लगाओ और फिर उसके बाद सो हम सो हम मतलब पहले स्वयं को अपने आत्म स्वरूप को पहचानते हुए ध्यान में आगे बढ़ते चले जाओ मैल द्वेत जब दूर हो जाए मैं और मेरा प्रभु दो नहीं एक ही हो जाए तब माखन पूरा खाओ राजा तब मक्खन पूरा मिलता है उससे पहले ये मक्खन मिलता नहीं वो मक्खन क्या है कहते हैं वो भगवान है तब उसकी प्राप्ति होती है क्योंकि मनुष्य जब शांत मन से श्वास लेता है और श्वास लेते लेते जैसे जैसे उसका श्वास स्थिर होता जाता है और आंतरिक रूप से मंत्र चलता रहे अजपा जाप जब चल रहा है ध्यान आपका टिका हुआ है तो अंदर से अपने आप महसूस होने लग जाता सोहम 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 ये पूरा रूप आने लग जाता है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं लबंते ब्रह्म निर्वाणम तो फिर आप जो है परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उसके लिए सबको क्या करना है कहते हैं क्षीण कलमशा ये द्वैत दूर हो और पाप दूर होने चाहिए स्वच्छता आनी चाहिए तो उस पर हम लोग चलेंगे लेकिन कथा जो मैंने बीच में कही एक सामान्य से देश में चलने वाली वो कहानी तो उसके बाद वो राजा कहते हैं कि भाई तुमने जो कुछ हमें बताया बेटा ये तो ऐसा बता दिया कि मन करता है कि राज्य छोड़ें और जंगल में जा कर बैठें बच्चे ने कहा नहीं यहीं अभ्यास करना होगा जंगल में भी तभी मिलेगा जब आपने यहाँ अभ्यास कर लिया इसलिए आपकी भक्ति घर परिवार में रहते रहते वहीं पर आप अपने आप को स्थिर करो आपके प्रत्येक कार्य क्षेत्र में ही आपका ध्यान भगवान की तरफ जाए कार्य को ही परमात्मा की सेवा बना लो बच्चे की बात सुन के राजा बहुत खुश हुआ उसको इनाम देना चाह रहा था लेकिन उसको फिर ध्यान में आ गया उसने कहा एक बात और बताओ भगवान करता क्या बोले महाराज है यही करता है कि जैसे जो है ना मैं नीचे बैठा हुआ था और आप ऊपर बैठे हुए थे तो अब आपकी राजगद्दी पर मैं बैठा हुआ हूँ आपको उठा के नीचे कर दिया थोड़ी देर के लिए आपको पता भी नहीं लगा तो नीचे वाले को ऊपर कर देता है वा वो ऊपर वाले को नीचे कर देता है उसको रोज ये खेल खेलने में मजा आता है कितना भी आदमी कहता रहे कि मेरे पास दौलत है शोहरत है समृद्धि है सुख है सुविधा है अगर उसकी मेहर है तो सब कुछ है नहीं तो एक पल में सारी चीजें गायब हो जाती हैं ये कहकर उस बच्चे ने नीचे उतरा और ये कहा कि इसी से वैराग्य जागता है और वैराग्य जब जागे और अभ्यास पूरा हो तब व्यक्ति की भक्ति पूरी होती है इसको योग योगदर्शन करने जब कहा तो ऐसे कह दिया अभ्यास अभ्याम तन निरोध अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ही मन स्थिर होता है और तब भगवान की तरफ व्यक्ति चल पाता है तो हर दिन अपना अभ्यास जारी रखना चाहिए और हर दिन अपने अंदर निखार लाने की कोशिश करनी चाहिए तो निखार कैसे लाएं तो भगवान श्री कृष्ण जैसे कहते हैं कि पाप क्षीण हो जाए पाप क्षीण कैसे करें तो वो भी विधि जाननी जरूरी है पहले तो बस यही समझें जब आप भगवान का नाम लेते हैं भगवान को हरि कहते हैं ना तो हरि का मतलब ये होता है जो हरण करता हरि हर पापानी दुष्ट चित्तर भी अनिचयापी संस्पृष्टो दहते च पाव का जैसे गलती से भी आग को छू ले तो जलाती है ऐसे जैसे जैसे भगवान का नाम उच्चारण करते जाएंगे कलमश दूर होते जाएंगे लेकिन एक बात सब को जाननी चाहिए कहा गया अद्य जीवानी माश्व कल की बात को ध्यान में न रखकर आज से अब से इसी समय से अपने आप को परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए आज से ही अपने आप को समृद्ध करने के लिए आध्यात्मिक तौर से अपने अंदर शुद्धता लानी चाहिए और अपने छल कपट चालाकियों पर काबू पाने की आज से कोशिश करनी चाहिए और एक बात और ध्यान रख लीजिए भगवान की भक्ति में जब बैठे रोते धोते हुए नहीं बैठे धन्यवाद करते हुए आनंद मग्न होकर के जाइए और आनंद लेकर के आइए हाँ अगर आपको प्रायश्चित करना है तो अपने किए पर पश्चाताप हो तो आंख में आंसू आने चाहिए तब वो बात आती है कि कबीरा हंसना बंद कर रोने से कर प्रीत रो करके ही पाइए प्रेम प्यारा मित्र जो प्रेम से भी अधिक प्रेम वाला है उस प्यारे मित्र को पाना है तो रोकर के ही मिलेगा लेकिन अधिकांश रूप से हर दिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि प्रसन्नता से भरे हुए भगवान की भक्ति में जाओ दो चीजें बड़ी अद्भुत हैं कि आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो जितने खुश होकर करोगे खुशी बढ़ेगी और भक्ति में भी ऐसे और डांस में भी ऐसे ही होता है। जितना खुश होकर के दांत दिखाई देते रहे आपके नृत्य कर रहे हो तो आपका नृत्य जो है आपको खिलखिला देगा इसी तरह से कहा गया एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रसन्नता जितनी आपके चेहरे पर दिखाई देगी और बढ़ जाएगी और ऐसे प्रसन्नता लेकर भगवान के आप जाइए और आनंद मनाइए भगवान के दर पर जा कर के जब बैठेंगे तो उस समय भी प्रसन्नता लेकर के जाइए लेकिन कोशिश करो कि हमारा प्रत्येक दिन आनंदपूर्ण हो सके